हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपकी बेहद डिमांड पर 11वीं क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की जा चुकी है। न्यूटन की गति के नियम के 10 लेक्चर डाले जा चुके हैं। आप वन बाय वन सारे वीडियोस हमारे आरबीएससी ऑनलाइन चैनल से देख सकते हैं। आज हम 11वां पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो है विराम कोण और वह घर्षण कोण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विराम कोण और घर्षण कोण को। विराम कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज और घर्षण कोण को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एंगल ऑफ रिपोज की। तो देखिए, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, विराम कोण क्या होता है, ये देखिए, इसको बोलते हैं नट तल द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया वह कोण। नट तल द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया वह कोण जिस पर वस्तु नट तल पर फिसलने की प्रवृत्ति रखती है, परंतु फिसलती नहीं है, उस कोण को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। कैसे समझते हैं, मान लो नत तल, ये देखिए नत तल, इस तल को बोलते हैं नत तल। नत तल क्या होता है, अगर कोई तल क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाता है, उसे बोलते हैं नत तल। ये जो तल है, ये नत तल है। कौन सा तल है, नत तल है, और इस वाले को क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। तो ये जो तल है, जो क्षैतिज के साथ कोण बना रहा है, इस तल को क्या बोलते हैं, नत तल। अब जरा सोचिएगा, मान लेता हूं यहां पर मैंने कोई एक वस्तु रख दी एम मास की, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रख दी, और वस्तु सतह खुरदुरी है। अगर सतह खुरदुरी है तो आपको पता है घर्षण लगेगा। जरा इसके लिए मुक्त रेखा चित्र बनाने की कोशिश करें तो इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। इसका जो वेट है वो कहां लगेगा, एमजी कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। और जरा समझिएगा, अभी मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा। और ये कोण अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, ये बात मैं पहले समझा चुका हूं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती, सर ये थीटा तो ये थीटा कैसे, आप हमारे पुराने वीडियो जाके देखिए, वहां पे मैंने अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तनाव बल सभी को पूर्ण रूप से समझाया है, किस तरीके से ये कोण थीटा है तो ये थीटा होता है, सारी बातें वहां समझाई जा चुकी है, वहां जाके वीडियो को देखिए। यहां एमजी का थीटा के साथ जो घटक होगा वो क्या लिखा जाएगा, एमजी कॉस थीटा, और एमजी का थीटा के विपरीत जो घटक होगा एमजी साइन थीटा। क्या होगा, एमजी साइन थीटा होगा या नहीं होगा। अब देखिए एमजी साइन थीटा यहां है तो घर्षण बल कहां होगा, ये होगा इधर की तरफ, क्योंकि घर्षण बल क्या करता है, सापेक्ष गति का क्या करता है, विरोध करता है। आपने बोला ठीक है सर, घर्षण बल इधर हो गया, और मैंने घर्षण बल का मान लिखना सिखाया है, क्या सिखाया है, म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन किसके बराबर है, एमजी कॉस थीटा के, यानी कि फ्रिक्शन बल का मान क्या आ गया, म्यू एमजी कॉस थीटा। अब मेरी बात सुनना। अब क्या हुआ कि देखो, वस्तु रखी हुई थी, ये यहाँ पे पेन है, सुनना मेरी बात, ये पेन यहाँ पर है, ठीक है। अभी क्षैतिज है, अगर मैं धीरे 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 इसको उठाऊं तो एक बिंदु तक तो ये पेन गिरेगा नहीं, लेकिन एक कोण बनने के बाद ये पेन क्या हो, देखो गिरना स्टार्ट हो गया। तो वह बिंदु जिस स्थिति पे पेन फिसलने की स्थिति पे आ जाता है, वह कोण जिस पर पेन फिसलने की स्थिति में आ जाता है, और अगर उससे ज्यादा कोण का मान बढ़ा दूं तो वस्तु कहां आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। इसका मतलब अगर कोण का मान कम है तो वस्तु फिसलेगी नहीं। क्यों नहीं फिसलेगी, जरा सोचना। देखो, अगर कोण का मान कम है तो कॉस थीटा का मान समझना। अगर देखो यहां पे दो तरह के बल लग रहे हैं, एक तो लग रहा है एमजी साइन थीटा, जो वस्तु को कहां लाने की कोशिश कर रहा है, नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, और एक लग रहा है म्यू एमजी कॉस थीटा, जो वस्तु क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। अब समझिएगा मेरी बात, अगर कोण का मान छोटा है, मतलब अभी नत्तल से जो कोण बनाया गया ये कोण छोटा है, अगर ये कोण छोटा है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, छोटा, और छोटे कोण के लिए कॉस थीटा का मान क्या हो जाता है, बड़ा। भाई कोण का मान छोटा और छोटे कोण के लिए कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और कोण छोटा है और छोटे कोण के लिए साइन थीटा का मान क्या हो जाता है, छोटा।
अब कोश थीटा का मान बड़ा है और साइन थीटा का मान छोटा है, तो सीधी सी बात है ये मान बड़ा हो जाएगा और ये मान छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर ये मान बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो क्या वस्तु नीचे गिर पाएगी? नहीं गिर पाएगी। लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे, जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे थीटा का मान बढ़ेगा, और अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन थीटा का मान बढ़ने से कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप खुद देख लो, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 कॉस 90 जीरो होता है, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। यानी कि थीटा का मान कम होने से कॉस थीटा बढ़ता है और थीटा का मान ज्यादा होने से कॉस थीटा घटता है। तो और साइन थीटा क्या होता है? उल्टा। अब जैसे जैसे मान बढ़ाएंगे साइन थीटा का मान बढ़ेगा, तो ये बल नीचे की ओर बढ़ेगा और घर्षण बल का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब दोनों बल का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा? वस्तु नत तल पर फिसलने की प्रवृत्ति रखेगी। और अगर उस कोण से मान थोड़ा सा ही बढ़ा दिया, उस कोण से मान थोड़ा सा ही बढ़ा दिया, तो ये वाला मान बढ़ जाएगा और वस्तु कहां गिर जाएगी? नीचे की ओर फिसलने लग जाएगी। तो अगर मैं कहता हूं, एक उस स्थिति की बात करता हूं जिस स्थिति पर mg sin थीटा किसके बराबर हो जाए? म्यू mg cos थीटा के बराबर हो जाए, या और अच्छे से बोलूं μs बोल दूं। μs क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक। यहां से आप देखिए, m से m गया, g से g गया, m से m गया, g से g गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू एस हो गया। इस कोण को अपन बोलते हैं विराम का कोण। यह वह कोण है जिस कोण पर वस्तु फिसलने की प्रवृत्ति रखेगी परंतु फिसलेगी नहीं। अगर कोण का मान इससे थोड़ा सा ही बढ़ा दिया जाए, वस्तु कहां आ जाएगी? नीचे की ओर फिसल जाएगी। कहां फिसल जाएगी? नीचे की ओर फिसल जाएगी। इस कोण को बोलते हैं विराम कोण। क्या बोलते हैं? विराम कोण। और यहां से थीटा का मान क्या निकल के आएगा? टेन इनवर्स म्यू एस। क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स म्यू एस। क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स म्यू एस। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे एक स्थिति ऐसी आएगी कि घर्षण बल और mg साइन थीटा बराबर हो जाएंगे, और उसके बाद अगर हल्का सा भी मान बढ़ाया जाए, वस्तु कहां फिसल जाएगी? नीचे की ओर फिसल जाएगी। और जब वस्तु गति करती है तो कौन सा घर्षण बल आता है? गतिक घर्षण बल आता है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अब मैं कुछ और बातें तुम्हें इसमें समझा देता हूं। जैसे अगर हमेशा ध्यान रखिएगा कि मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिया थीटा, कोई भी मान दे दिया कि नत तल का कोण थीटा है, ठीक है, और आपको विराम का कोण भी पता है। मान लो विराम का कोण दे दिया थीटा आर दे दिया। ये विराम कोण है, ये क्या है? विराम कोण है। और थीटा क्या है? तुम्हारा नत तल का कोण है। क्या है? नत तल का कोण है, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर थीटा का मान विराम कोण से ज्यादा होगा, मतलब अगर विराम कोण से कोण का मान और बढ़ा दिया, तो वस्तु क्या हो जाएगी? फिसलने लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? लगने लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? हाँ सर, फिसलने लग जाएगी। तो वस्तु गति करेगी। वस्तु क्या करेगी? गति करेगी। क्या करेगी? वस्तु गति करेगी। और जब वस्तु गति करती है तो सतह और वस्तु के मध्य कौन सा घर्षण बल लगेगा? सर, गतिक घर्षण बल लगेगा। कौन सा घर्षण बल लगेगा? गतिक घर्षण बल लगेगा। तो क्या वस्तु में त्वरण आएगा? हाँ सर, वस्तु में त्वरण आएगा। लेकिन अगर थीटा का मान थीटा आर के बराबर रख दिया जाए, जो अभी मैंने रखा था, जब थीटा का मान थीटा आर के बराबर रख दिया जाए तो वस्तु गति करने की अवस्था में आएगी। गति करने की अवस्था में, या आप कह सकते हो गति करने की अवस्था बोलो, या वस्तु क्या रखेगी? फिसलने की प्रवृत्ति रखेगी। क्या करेगी? फिसलने की प्रवृत्ति रखेगी। पर फिसलेगी नहीं,
फिसलने की प्रवृत्ति रखेगी पर फिसलेगी नहीं। मतलब फिसलने की प्रवृत्ति आ गई है, अब अगर हल्का सा कोण बढ़ाओगे वस्तु फिसल जाएगी। और अगर थीटा का मान थीटा आर से कम है, मतलब ये जो मान थीटा है अगर विराम कोण से कम है यानी कि बहुत कम है, तो वस्तु क्या होगी, फिसलेगी ही नहीं, गति करेगी ही नहीं, क्योंकि उस समय घर्षण बल उसको रोक लेगा। भाई वस्तु गति की अवस्था में कब आएगी, जब दोनों बल कोण बराबर हो जाएं। और अगर फिर कोण आपने बढ़ा दिया तो वस्तु गति करने लग जाएगी। लेकिन अगर विराम कोण से कोण का मान कम है, ये कोण का मान एकदम कम है, तो क्या वस्तु गति करेगी, नहीं करेगी, तो वस्तु क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। और जब वस्तु स्थिर रहेगी तो उस स्थिति में कौन सा घर्षण बल आएगा, स्थैतिक घर्षण बल आएगा। कौन सा बल आएगा, स्थैतिक घर्षण बल आएगा। और वस्तु स्थिर रहेगी और त्वरण का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस स्थिति में जो घर्षण बल होगा वो अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल लगता है। कौन सा लगता है, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल। कौन सा घर्षण बल लगेगा, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल, जिसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण, एफ लिमिटिंग। क्या बोलते हैं, एफ लिमिटिंग। आपको ये मेरी कही भी बातें याद रखनी है। अगर आप ये बातें याद रखते हो तो हर क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। आइए मैं वन बाय वन क्वेश्चन लेता हूं और समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन ये कहता है, यदि विराम कोण 45 डिग्री है। एक देखिए क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन है, देखिए नत तल का कोण दे रखा है 30 डिग्री, नत तल का कोण दे रखा है 30 डिग्री और एन द्रव्यमान की वस्तु दे रखी है, ठीक है, सतह खुरदुरी है। और ये कहता है यदि विराम का कोण 45 डिग्री है तो ज्ञात करो कि वस्तु विराम में रहेगी या गति में रहेगी। कुछ नहीं करना। आपको क्या सिखाया मैंने, यदि विराम कोण यानी कि एंगल ऑफ रिपोज यानी कि विराम कोण क्या बोला अभी, थीटा आर बोला। थीटा आर कितना दे रखा है, 45 डिग्री। और जो नत तल से जो कोण बना रखा है, ये जो कोण बना रखा है कितना है, थीटा का मान 30 डिग्री है। कौन ज्यादा है, विराम का कोण ज्यादा है किससे, थीटा से। तो अभी मैं बता के गया पिछली स्लाइड में मैंने क्या बताया, देखेंगे अगर मैंने कहा थीटा का मान थीटा आर से कम है तो क्या वस्तु कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। और स्थिर रहेगी तो क्या वस्तु गति कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो कौन सा घर्षण बल लगेगा, स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। और त्वरण क्या होगा वस्तु का शून्य होगा। तो क्या करेगा, विराम का कोण इतना है तो क्या करो कि वस्तु विराम में रहेगी या गति करेगी। तो आप बिना सोचे समझे कह सकते हो, सर वस्तु कैसी रहेगी, विराम में रहेगी। और जब वस्तु विराम में रहेगी तो उसका त्वरण कितना आएगा, गति नहीं करेगी, तो त्वरण उसका क्या हो जाएगा, सर त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा उस स्थिति में अगर मैं आपसे पूछूं घर्षण बल का मान ज्ञात करो, तो उस स्थिति में वस्तु पे जो घर्षण बल लगेगा वो स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। और स्थैतिक घर्षण बल का मान किसके बराबर होगा, देखते हैं किसके बराबर होगा, एन इधर लगेगा, एमजी इधर लगेगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये क्या लिखा जाएगा, एमजी कॉस 30 लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, सर लिखा जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा, एमजी साइन 30। अब mg sin 30 क्या करेगा, इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं कहता हूं वस्तु रुकी रहेगी। क्यों रुकी रहेगी, क्योंकि पीछे क्या लगेगा, एक घर्षण बल लगेगा। कौन सा घर्षण बल लगेगा, स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। तो यहां पर मैं पूछूं स्थैतिक घर्षण बल का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर mg sin 30, यानी कि sin 30 कितना होता है, mg by 2।
ये हो गया स्थैतिक घर्षण बल का मान निकालिए। भाई स्थैतिक घर्षण क्या होगा भाई, वस्तु इधर एम डी साइन थिएटर से आना चाहती है लेकिन पीछे क्या कर रहा है वस्तु, मैंने मुझे पता चल गया वस्तु रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि घर्षण बल लग रहा होगा। तो इस घर्षण बल का मान किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा? एम डी साइन थिएटर के बराबर होगा या नहीं होगा? इस आरोपित बल के बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा, तभी तो वस्तु रुकी हुई है। भाई कोई चीज आगे जाना चाह रही है 10 न्यूटन से, मैं पीछे से 10 न्यूटन लगाऊंगा तो वस्तु आगे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी सर, नहीं बढ़ेगी। और अगर वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, क्या होगा बताओ मुझे? क्या वस्तु आगे बढ़ेगी? नहीं होगी। और वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां से पूछता कि अधिकतम घर्षण बल का मान कितना होगा, अधिकतम घर्षण बल, अधिकतम घर्षण बल कितना लग सकता है? भाई ये तो हमने निकाला घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल निकाला। और आपको पता है कि स्थैतिक घर्षण बल कैसा होता है, स्वसमायोजित होता है। जैसे जैसे बल का मान बढ़ता है, जैसे जैसे आरोपित बल का मान बढ़ता है, घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। स्थैतिक घर्षण बल अधिकतम मान तक बढ़ सकता है, अधिकतम मान तक बढ़ सकता है। उसके बाद अगर बल बढ़ाओगे तो वस्तु गति करने लगती है। ये बात जब मैंने स्थैतिक घर्षण और गति घर्षण पढ़ाया था तो बात समझाई थी। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो सबसे पहले आप जाके स्थैतिक घर्षण और गति घर्षण वाला वीडियो देख लो, वहां सारी बात क्लियर हो जाएगी। भाई देखो अभी हमने बल और बढ़ाना स्टार्ट किया, भाई थीटा का मान बढ़ाऊंगा, थीटा का मान बढ़ाऊंगा, और अगर मैं थीटा का मान 45 डिग्री से ऊपर ले जाऊंगा तो ये वाला बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये वाला बल का मान बढ़ जाएगा, अब घर्षण बल क्या इसको रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा सर। घर्षण बल तो कहां तक रोक सकता था, अधिकतम घर्षण बल 45 डिग्री तक। उसके बाद अगर मैं 45 से 50 डिग्री कर दूंगा तो ये वाला बल ज्यादा हो जाएगा, और ये वाला बल जब अधिकतम घर्षण बल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या वस्तु गति कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी सर, नहीं सॉरी, वस्तु गति कर पाएगी? हां सर, वस्तु गति कर पाएगी, क्योंकि घर्षण बल इसको रोक नहीं पाएगा, घर्षण बल इसको रोक नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि मैं अभी लिख के आया था, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था एम जी साइन थीटा अगर अधिकतम स्थैतिक घर्षण के बराबर हो जाएगा तो वस्तु फिसलेगी नहीं, लेकिन जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा तो इस बल का मान बढ़ेगा, पर ये अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल तो एक निश्चित मान तक ही बढ़ सकता है ना। उसके बाद तो आप थीटा का मान बढ़ाओगे तो वस्तु क्या हो जाएगी, गति करना स्टार्ट कर देगी, गति करने लग जाएगी। ठीक है। तो यहां पे अगर अधिकतम स्थैतिक घर्षण पूछूं तो अधिकतम स्थैतिक घर्षण कैसे निकालते हैं सर, एफ लिमिटिंग वो निकालते हैं हम लोग, म्यू एम जी क्या होगा, कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और म्यू का मान हमने निकाल चुके हैं, म्यू कितना है, म्यू किससे निकलेगा, इससे, टेन म्यू एस, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, ये वो एंगल ऑफ रिपोज वाला है, और ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये थीटा मान लीजिए, थीटा डैश मान लीजिए एक बार, इस 30 डिग्री को मैंने बोल दिया थीटा डैश, तो यहां से टेन थीटा, टेन एंगल ऑफ रिपोज कितना है 45, टेन 45 इज इक्वल टू म्यू एस, तो म्यू एस का मान कितना निकल के आ गया 1, तो यहां से 1 इंटू एम का मान कितना है, एम इंटू जी इंटू कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो अगर आप ध्यान से देखो तो एम जी बाई 2 इंटू √3, अधिकतम घर्षण बल का मान mg/2√3, लेकिन जो आरोपित बल था वो कितना था, mg/2 था, और ये mg/2 से √3 गुना ज्यादा है, √3 गुना ज्यादा है, तो मैंने क्या बोला, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल इतना लगेगा, कितना लगेगा, इतना लगेगा। पर इसको अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि विराम का कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं चीजों को अच्छे से। यदि विराम का कोण 37 डिग्री है तो ज्ञात करो वस्तु गति करेगी या घर्षण बल गति करेगी, तो घर्षण बल तथा त्वरण का मान ज्ञात करो। इस बार क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो आप फिर से समझना, इस बार मान लो एम द्रव्यमान की वस्तु है और मैंने इस बार कोण दिया है 45 डिग्री, लेकिन विराम का कोण कितना है आपके सामने, विराम का कोण इस बार कितना है 37 डिग्री, यानी कि जो एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज है, देखो एंगल ऑफ जो रिपोज है, ध्यान से देखना एक बार, एंगल ऑफ रिपोज यानी कि विराम का कोण, विराम का कोण क्या होता है, वह कोण जिस पर वस्तु गति करने की प्रवृत्ति रखती है वो कितना है 37 डिग्री है सर,
लेकिन नत्तल का कोण कितना हो गया, नत्तल का कोण कितना हो गया, नत्तल का कोण कितना हो गया, थीटा बराबर 45 डिग्री। याद करो, अगर थीटा का मान थीटा से ज्यादा है, थीटा का मान थीटा आर से ज्यादा है, यानी कि विराम के कोण से ज्यादा है, तो वस्तु क्या करेगी, वस्तु क्या करेगी, गति करेगी सर। और जब वस्तु गति करेगी तो वस्तु के अंदर क्या आएगा, त्वरण आएगा सर, त्वरण आएगा। और जब वस्तु गति करती है तो कौन सा घर्षण बल आता है सर, गतिक घर्षण बल आता है, गतिक घर्षण बल आता है सर, गतिक घर्षण बल आता है। क्योंकि अभी आपने सर खुद ही तो समझाया था थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले आपने ही तो बताया था कि यदि यदि कोण का मान विराम कोण से ज्यादा है, विराम कोण 37 डिग्री था और कोण का मान कितना है 37 डिग्री से ज्यादा है, तो वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। और गति करेगी तो कौन सा घर्षण बल आएगा, गतिक घर्षण बल आएगा। जरा देखो यहां पे क्या आएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, यहां क्या आएगा एमजी, यहां क्या आएगा 45, यहां क्या आएगा एमजी कॉस 45, बोलो हाँ या ना, यहां क्या आएगा एमजी साइन 45, और यहां क्या आएगा सर गतिक घर्षण आएगा। अब आपको पता है वस्तु गति कर रही है तो गतिक घर्षण आएगा, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण ये वाला mg साइन 45 नीचे की ओर, माइनस माइनस गति घर्षण कहां आएगा ऊपर की ओर, बटे द्रव्यमान, बटे द्रव्यमान। ध्यान से दिखेगा mg साइन 45 माइनस म्यू के का मान आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, म्यू के इंटू mg कॉस 45 अपॉन एम, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जी साइन 45 माइनस, इसका मान क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, तो आपको मान रख देना है सीधा जी कॉस 45, आंसर सीधा निकल के आ जाएगा त्वरण का ये मान, त्वरण का ये मान सीधा निकल के आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान लो अगर मैं पूछता अधिकतम स्थैतिक घर्षण कितना लगेगा, अधिकतम स्थैतिक घर्षण कितना लगेगा, अगर मान लो आप पूछ लेते कि अधिकतम स्थैतिक घर्षण कितना लगेगा, अधिकतम स्थैतिक घर्षण कितना लगेगा, वो तो बात क्लियर है कि घर्षण बल अब रोक नहीं पाएगा, लेकिन अधिकतम स्थैतिक घर्षण निकाल तो सकते हो, निकाल तो सकते हैं सर म्यू एस एन। और म्यू एस कैसे निकालते हो, आपको पता है टेन थीटा आर बराबर म्यू एस होता है, जिसको क्या बोलते हैं विराम का कोण बोलते हैं, और विराम का कोण कितना है 37 डिग्री है सर। ध्यान देना टेन 37 बराबर म्यू एस, सर 37 डिग्री का मान कैसे निकालें, सर 37 डिग्री का मान कैसे निकालें, तो आपने ये ट्रायंगल पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा याद कर लो, 5 3 4, 5 3 4, एक एक समकोण त्रिभुज बना लो, 5 3 4, इस 5 और 3 के बीच के कोण को 53 मान लो, 5 और 3 के बीच के कोण को 53 मान लो, याद कर लो इसको, ये थीटा 90 है, इसको 37 मान लो, तो हमें निकालना है टेन 37, टेन 37 का मान कितना होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार 3/4, 3/4 यानी कि म्यू एस, म्यू एस, तो म्यू एस का मान कितना निकल के आ गया 0.75, 0.75, यानी कि जो अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का जो नियतांक है वो कितना है 0.75 है, 0.75 है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है, इस त्रिभुज को याद कर लो इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपको अधिकतम घर्षण बल का मान निकालना है तो 0.75 म्यू एस आ गया। और यहां से अगर अगर इस वाले में रख दू, इस वाले में मान रख दू, देखो इस वाले में अगर मान रख दू एफ लिमिटिंग बराबर क्या आया था म्यू एस एन, तो एफ लिमिटिंग म्यू एस का मान निकल चुका है और एन का मान कितना था एमजी, एमजी एमजी कॉस 45, एमजी कॉस 45, एमजी कॉस 45, एमजी कॉस 45 मान निकाल सकते हैं हम यहां से, एम पता होगा, जी का मान 10 रख दो, कॉस 45, यहां से अधिकतम घर्षण बल आप निकाल सकते हो, चाहो तो,
चाहो तो, लेकिन यहाँ पे स्थिति घर्षण की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता चल चुका है कि वस्तु क्या करेगी, गति करेगी, और जब वस्तु गति करती है तो गति घर्षण का मान रखते हैं। क्वेश्चन के अंदर म्यू एस या म्यू के दे रखा होगा, म्यू एस हमें निकालना आता है, कई बार क्वेश्चन के अंदर म्यू के दे रखा होता है तो हम एक क्वेश्चन वो भी देखेंगे कि म्यू के दे रखा होगा तो कैसे निकालना है। मेरी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही है तो कमेंट करेंगे और हो रही है तो लाइक करेंगे। ये वाला देखो एक क्वेश्चन, ज्ञात करो कि वस्तु विराम में रहेगी या गति करेगी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें विराम कोण का मान नहीं दे रखा, इस बार क्वेश्चन के अंदर ये नत कोण दे रखा है, नत कोण यानी कि कोई थीटा दे रखा है, थीटा हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है 53 डिग्री दे रखा है, लेकिन विराम का कोण नहीं दे रखा, विराम का कोण नहीं दे रखा। सर कैसे करें इस बार, इतनी देर तो विराम का कोण दे रखा था, हम चेक कर रहे थे, इस बार विराम का कोण नहीं दे रखा है, लेकिन तो क्या करें सर, तो विराम का कोण निकालें सबसे पहले। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि विराम का कोण और नत के कोण में क्या संबंध है, तब तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि वस्तु गति करेगी या नहीं करेगी। तो सर कैसे करें, देखो म्यू दे रखा है, ध्यान से देखो म्यू दे रखा है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, म्यू एस होता है या नहीं होता बताओ। हाँ सर होता है, आपने तो बताया, तो टेन थीटा बराबर 0.75, तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया 0.75 का मतलब हो गया 75/100, 3/4। अब टेन थीटा 3/4 कब होता है, बार बार वो ट्रायंगल याद करो जो अभी मैं बना के गया था, याद करो सर, ये 5, ये 3, ये 4, ये याद रख लो, 5 और 3 के बीच में क्या आएगा 53 डिग्री, ये कितना होगा सर 37 डिग्री होगा, कितना होगा 37 डिग्री होगा। सर कैसे, अब देखो साइन 37 का मान क्या होगा, साइन 37 का मान लंब बट्टा है, सॉरी साइन 37 नहीं, टेन 37 का मान कितना होगा, टेन 37 का मान कितना होगा, ध्यान से देखो, टेन 37 का मान क्या होगा, लंब बट्टा आधार सर 3/4, यानी कि 3/4 किसका मान है, थीटा बराबर 37 डिग्री। ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, विराम का कोण है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो कि इस बार अगर ध्यान से देखो कि विराम का कोण थीटा से कम है या ज्यादा है, सर कम है, थीटा 53 डिग्री है, थीटा 53 डिग्री है और विराम का कोण 37 डिग्री है, विराम का कोण 37 डिग्री है, वस्तु गति नहीं करेगी, वस्तु गति नहीं करेगी, और वह वस्तु गति नहीं करेगी तो त्वरण का मान कितना आ जाएगा सर, शून्य आ जाएगा। और अगर त्वरण का मान शून्य आ गया, अगर मैं पूछूं ध्यान देना, मैं पूछता हूं कि स्थैतिक घर्षण कितना लगेगा, सीधी सी बात है, त्वरण का मान शून्य है, वस्तु रुकी हुई रहेगी, और जब वस्तु रुकी हुई रहती है तो कौन सा घर्षण लगता है, स्थैतिक घर्षण लगता है, कौन सा लगता है, स्थैतिक घर्षण लगता है जो कि आरोपित बल के बराबर होता है। यहां पर एन यहां लगेगा, एम जी कहां लगेगा, इधर की तरफ, यहां पे देखो क्या लिखोगे, एम जी कॉस 53 लिखोगे या नहीं लिखोगे, और यहां क्या लिखोगे, Mg sin 53। अरे 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 बोलो मजा आया या नहीं आया, Mg sin 53 लगोगे, और घर्षण बल कहां लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर वस्तु गति नहीं कर रही तो क्या ये और ये बराबर होंगे या नहीं होंगे, क्या ये और ये बराबर होंगे या नहीं होंगे, सर बिल्कुल होंगे। तो F बराबर क्या लिखोगे, Mg sin 53, ये तुम्हारे घर्षण बल का मान निकल के आ गया, क्योंकि इसके कारण वस्तु स्थिर है, ये स्थैतिक घर्षण बल है, कौन सा है, स्थैतिक घर्षण बल है, ये कौन सा घर्षण बल है, स्थैतिक घर्षण बल है। क्या अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का मान निकाल सकते हैं, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल कितना हो सकता है, μs × n, म्यू एस का मान दे रखा है हमें, म्यू एस का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 0.75, इंटू एन का मान कितना दे रखा है, Mg cos 53। यहां से अधिकतम स्थैतिक घर्षण निकाल सकते हैं, अधिकतम स्थैतिक, भाई घर्षण स्थैतिक घर्षण अधिकतम कितना जा सकता है, कितना जा सकता है, वो यहां निकाल सकते हैं। ये दिखा रहा है कि अभी वस्तु रुकी हुई है तो घर्षण बल कितना लग रहा है, स्थैतिक घर्षण बल इतना लग रहा है, और हमें पता है स्थैतिक घर्षण बल स्वसमायोजित बल है, कैसा बल है, स्वसमायोजित बल है। क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना बोलो, एकदम क्लियर है सर, मजा आ गया सर, एकदम क्लियर है, चलो ठीक है। देखिये अगर एक क्वेश्चन और है तो देखते हैं, कोशिश करते हैं।
इस बार देखो, यदि वस्तु विराम में रहेगी या गति करेगी, घर्षण बल तथा त्वरण का मान ज्ञात करो। एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो। तो देखो, चलो आते क्या करेंगे। वस्तु विराम में रहेगी या गति में गति करेगी। सबसे पहले देखो, हमें थीटा का मान दे रखा है 37 डिग्री। थीटा का मान दे रखा है 37 डिग्री। क्या दे रखा है? 37 डिग्री। और म्यू एस का मान क्या दे रखा है? म्यू एस का मान दे रखा है 0.75। सबसे पहले निकालो एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज मतलब विराम का कोण। क्या निकालो? विराम का कोण। विराम का कोण निकालो सर, विराम का कोण निकालो। क्या निकालो? विराम का कोण। विराम का कोण करना है तो विराम का कोण क्या होता है? थीटा आर। अभी बता के गया, थीटा आर लिख लो एक बार। थीटा आर इक्वल, थीटा आर लिख लो। तो हमने क्या बोला था? टेन थीटा आर बराबर म्यू एस। हाँ या ना बोलो। यहां से देखो म्यू एस का मान कितना दे रखा है, म्यू एस का मान कितना दे रखा है? 0.75। 0.75 दे रखा है सर। अगर ये 0.75 है तो अभी आपको पता है कि अगर ये 0.75 है तो इसको अपन 3/4 लिख सकते हैं, 75/100, 3/4। और 3/4 का मतलब कितना हो गया? क्या 37 डिग्री हुआ या नहीं हुआ? वापस याद करो, वापस याद करो, वापस याद करो। ये कितना है? 5, ये 3, ये 4, ये 37 डिग्री। tan 37 का मान कितना होता है? लंब बट्टे आधार, 3/4, 37 डिग्री। अगर 37 डिग्री है और 37 डिग्री है तो विराम के कोण के बराबर है। वस्तु फिसलने की प्रवृत्ति रखेगी। वस्तु क्या करेगी? फिसलने की प्रवृत्ति रखेगी, पर फिसल नहीं रही है। फिसलने की क्या रख रही है? प्रवृत्ति रख रही है। फिसलने की प्रवृत्ति रख रही है। इस स्थिति में लगने वाला घर्षण अधिकतम स्थैतिक घर्षण के बराबर होगा, क्योंकि जब वस्तु फिसलने की प्रवृत्ति रखती है तो उस स्थिति में वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल अधिकतम स्थैतिक घर्षण के क्या होता है? बराबर होता है। अधिकतम स्थैतिक घर्षण के बराबर होता है, जिसको अपन लिखते हैं म्यू एस एन। और म्यू एस का मान दे रखा है 0.75 इंटू एन का मान हम निकाल सकते हैं। एन का मान हम निकाल सकते हैं, एन 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 का मान हम निकाल सकते हैं। ये 37 डिग्री होगा, ये होगा एम जी, ये होगा एम जी, एम जी कॉस 37, एम जी कॉस 37। एन का मान कितना होगा? एम जी कॉस 37, कॉस 37, एम जी कॉस 37। तो 0.75 इंटू 2 इंटू 10 कॉस 37। यहां से देखो आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण 4/5, 5 × 10, 8 × 16, 16 इंटू 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं, 4 × 3 = 12 न्यूटन, 12 न्यूटन। अधिकतम स्थैतिक घर्षण कितना लगेगा? 12 न्यूटन। इस स्थिति में वस्तु फिसलने की प्रवृत्ति रखेगी, फिसलने की प्रवृत्ति रखेगी, पर फिसलेगी नहीं। इससे थोड़ा सा कोण बढ़ा दिया जाए, 38 डिग्री भी कर दोगे तो वस्तु क्या हो जाएगी? फिसल जाएगी। और कौन सा घर्षण बल आ जाएगा? गतिक घर्षण बल आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। चलिए अब बात करते हैं घर्षण कोण की। घर्षण कोण क्या होता है समझ लेते हैं, एकदम आसान है, लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। घर्षण कोण क्या होता है समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने ये बताया था, जब घर्षण को समझाया था तो मैंने ये आपको चीज बता चुका हूं कि मान लेता हूं ये सतह है, ये सतह है और ये वस्तु और इस वस्तु के बीच संपर्क है, तो हमने बोला था एक परिणामी बल आता है, एक परिणामी बल आता है, एक परिणामी बल आता है। उसके अपने क्या करते हैं? दो घटक बनाते हैं, दो घटक बनाते हैं। एक होता है क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि मैंने ये बताया था कि जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है तो उनका एक परिणामी बल होता है। परिणामी बल का क्षैतिज घटक तो हमें क्या देता है? घर्षण को घर्षण बल देता है। और परिणामी बल का ऊर्ध्वाधर घटक क्या देता है? अभिलंब बल लग देता है। ये बात जब मैंने घर्षण पढ़ाई थी वहां पे सारी बात समझा चुके हैं। अगर आपको मेरी बात यहां समझ नहीं आ रही तो आप इस वीडियो को जाके देखो, वहां पे सब चीज क्लियर हो जाएगी कि ये चीज मैंने कैसे लिखी है, ये चीज मैंने कैसे लिखी है। परिभाषा क्या बोलते हैं कि परिणामी बल द्वारा, परिणामी बल द्वारा,
परिणामी बल द्वारा, परिणामी बल द्वारा, परिणामी बल द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ, परिणामी बल द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ, ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, कोण घर्षण कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? घर्षण कोण कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। कैसे निकालना है, कैसे निकालना है? कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। अगर अगर मेरी बात सुनना, ये परिणामी बल है, ध्यान देना, ये परिणामी बल है, ये मेरा अभिलंब प्रतिक्रिया बल है और ये मेरा घर्षण बल है। क्या इस घर्षण बल को मैं यहां बना सकता हूं? हाँ बना सकते हो सर। ये अल्फा, इसका टेन ले लो। क्या ले लो? टेन। टेन अल्फा बराबर क्या लिखोगे? टेन अल्फा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है? अभी घर्षण बल। आधार क्या है? आधार अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। और घर्षण बल को हम कैसे लिख सकते हैं? मैं कई बार बता चुका हूं, म्यू इंटू एन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? एन से एन गया तो ये बन क्या आया? टेन अल्फा बराबर म्यू एस। इस कोण को, इस अल्फा कोण को, इस अल्फा कोण को क्या बोलते हैं? घर्षण कोण बोलते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी, ज्यादा कुछ नहीं करनी। क्या बोला है रिपीट कर देता हूं, परिणामी बल द्वारा। ये परिणामी बल कहां से आया इसको समझने के लिए पुराना वीडियो जाके देखो, जहां घर्षण समझाया वहां क्लियर की है सारी बातें। परिणामी बल द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया कोण, ऊर्ध्वाधर के साथ जो कोण बनाया जाता है वही कोण क्या कहलाता है? घर्षण कोण कहलाता है। कुछ नहीं किया, टेन अल्फा लंब बट्टा आधार, ये वाला जो है इसको मैं यहां बना दूं, यहां बना दूं तो ये इसके सामने, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। इसका मान कितना है? एफ लंब बट्टे आधार, आधार ये हो गया एफ। और घर्षण बल को कैसे लिख सकते हैं? घर्षण बल को लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन बट्टा एन, एन से एन कटा, टेन अल्फा बराबर म्यू एस। तो इस कोण को हम क्या बोलते हैं? घर्षण कोण बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सारी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।